जलसे में मौजूद जमीतुल उलमाए हिंद के सदर हजरत मौलाना अरशद बद्दी साहब, स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारे सभी मौजूद उलमाए इकराम, जमीयत के सभी ओहदेदार, रियासत के हमारे सभी सामाजिक कारकुन, हमारे सभी साथी, सामने बैठे हुए शहर के सभी हमारे मौजूद हजरात, खवातीन और बहनें, नौजवान साथी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमीयत के इजलास, 100 साल इजलास आज मुंबई शहर के इस तारीखी सरजमी पर मुनक्किद हो रही है। जमीयत ने तो मुल्क की आजादी की तहरीक से लेकर मुल्क की तरक्की में हमेशा अहम किरदार निभाने का काम इस मुल्क ने किया। शायद कुछ लोगों को याद नहीं, पण से पाटील साहेब लोकांना आठवण करून देण्याची वेळ आलेली आहे या देशामध्ये। आज जमीयतुल उलमाए हिंद हिंदुस्तान की, जैसे मैंने पहले कहा कि आजादी की तहरीक से लेकर मुल्क की दुनिया के नक्शे पे इस मुल्क की पहचान बनाने में उसका अहम किरदार रहा। आज लोग अपने सियासी मफाद हासिल करने के लिए, अपने जाति मफाद हासिल करने के लिए इस मुल्क के मुल्क में हिंदू और मुसलमानों में लंबी लकीर खींचना चाहते हैं। जमीयत ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि आपने देखा है ये स्टेज, और स्टेज पे हजरत मौलाना के अगल बगल में बैठे हुए जो हमारे हिंदू मजहब के मानने वाले जो यहां पर बैठे हैं, इससे एक सबसे बड़ी मिसाल है कि जमीयतुल उलमा फिरका परस्त नहीं बल्कि फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ। जमीयत के बारे में अलग अलग तरह की तस्वीर पेश की जाती है, वक्त माजी में जाना चाहिए, जमीयत की तारीख को उठा के पढ़ना चाहिए, तारीख के पन्नों को पलटने का भी काम थोड़ा करना चाहिए। जमीयत ने इस मुल्क के हिंदुस्तान के कानून को, आईन को इस मुल्क में मजबूती से हमेशा लागू करने के लिए और उस कानून को मजबूती से साथ देने का काम हमेशा करवाया। लेकिन आज अफसोस होता है, इसलिए सीए जैसा कानून इस मुल्क में थोपा जा रहा है। सीए के बाद नए तरह का एनपीआर लाया जा रहा है और कहा जाता है कि सीए से किसी को नुकसान नहीं है। नसीम खान का मानना है किसी को नुकसान हो या फायदा हो, इस मुल्क में कानून वही बनना चाहिए जो इस मुल्क के संविधान की इजाजत दी। संविधान के खिलाफ कोई कानून इस मुल्क में नहीं बनना चाहिए। संविधान के दायरे में आप कानून बनाइए, हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई उसको मजबूती से ताकत देने का काम करेगा। मैं दूसरी बात, ज्यादा वक्त नहीं है, अली मुल्ला साहब मेरे बगल में खड़े हो गए, मैं समझ गया। मैं अपनी महाराज की सरकार से भी कहना चाहता हूं,
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से भी कहना चाहता हूं कि आपको सीए और एनपीआर के बारे में आपके मुशीरदार, आपके सलाहकार गलत बता रहे हैं, उसको सही तरीके से समझिए, क्योंकि यह सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बुनियाद पर कांग्रेस पार्टी ने आपको सपोर्ट किया है, आपको वजीर आला बनाया। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, सीडब्ल्यूसी का फैसला है, और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में मैं भी एक मेंबर था जिसके अंदर तीनों पार्टी की एक सहमति बनी थी, एक राय बनी थी, और उस राय में यह शामिल किया गया था कि महाराष्ट्र की सरकार संविधान के प्रियम्बल की बुनियाद पर चलेगी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बुनियाद पर चलेगी। उद्धव जी, उसको आप जरा समझ लीजिए और उसके बाद पब्लिकली बयान दीजिए। हमें पता है कि आपके अगल बगल में आपको समझाने वाले कुछ आजकल लोग ऐसे पहुंच गए हैं जो आपकी पुरानी पार्टनर थी उनके मंसूबे पे चलने वाले लोग हैं। तो आप, हमें उम्मीद है, हमारे लोग बात कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में एनपीआर जब महाराष्ट्र पे लागू हो तो उसमें जो बाप दादा और माँ का जो गलत तरह का दिखाया गया कौन है उसको निकाल देना चाहिए। सेंसस का मुखालिफ कोई नहीं है, सेंसस हमेशा होते रहा है, लेकिन सेंसस होने का जो तरीका है, जो कायदा है, जो नियम है, उसी के मुताबिक होना चाहिए, उसको सब सपोर्ट करेंगे। और नरेंद्र मोदी की सरकार वाला एनपीआर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सब इसकी मुखालफत करेंगे, ये मैं आज यहाँ पर कहना चाहता हूँ। मैं फिर से आज के इस अजीमुशान इजलास के लिए महाराष्ट्र की जगदलोरमा की पूरी टीम को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, और हजरत मौलाना का भी बहुत बहुत यहां पर खैर मकदम करते हुए इस्तकबाल करता हूं और अपनी बात को खत्म करता हूं। खुदा हाफिज। जय हिंद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।